हेलो एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली बाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022 जो होने जा रहा है दिसंबर में। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने जो लर्निंग के बारे में पढ़ाई कर रखी है उससे रिलेटेड चलिए आज सवाल देखते हैं। अधिगम से जो भी सवाल जैसे पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं, और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जिसका नाम है सीडीपी सीरीज आरंभ सीटेट 2022, जहां पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स बिल्कुल कंटिन्यूअस ढंग में मिलेंगे, क्रिस्प तरीके से बनाए हुए। साथ के साथ आपको मिलेगा क्वेश्चनेयर सीरीज 1, 2, 3, 4, 5 करके, जिसपे आप क्लिक कीजिए और आपको पता चलेगा कि हर एक सवाल को कैसे ब्रेक किया जाता है, कैसे ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं, तो उन कंफ्यूजन को कैसे क्लियर किया जाता है, एंड दिस इज हाउ वी गेट टू नो द आंसर। उन सारी चीजों को देखिए और अपनी तैयारी को ब्रश अप कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू लर्निंग, अधिगम से जुड़े हुए कुछ सवाल जो पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल है, लर्निंग कैन बी फैसिलिटेटेड बाई, सीखने या अधिगम को सुगम बनाया जा सकता है, किस चीज से हम बना सकते हैं पनिशिंग। देखो, पनिशिंग जब भी रहेगा आंसर नहीं करना है, पनिशमेंट वर्ड यूज किया हुआ है बिल्कुल हटा देंगे, मॉक एंड ड्रिल, ड्रिल प्रैक्टिस अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो हटा देंगे आंसर्स, ठीक है। प्रेशराइजिंग चिल्ड्रन टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स ऑन स्टडिंग, लंबे लंबे घंटे तक बच्चों को पढ़ने के लिए हम इंस्पायर कर रहे हैं या उनको प्रेशर डाल रहे हैं, इंस्पायर नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं, तो दबाव बढ़ा रहे हैं तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो वो भी आंसर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी यस, कनेक्टिंग न्यू मटेरियल्स विद समथिंग दैट चिल्ड्रन ऑलरेडी नोज, नई कॉन्सेप्ट्स को, नई सामग्री को उस तरीके से अटैच करना, पहले जो बच्चे जानते थे उससे अच्छे से अटैच करना, एंड तभी जाकर के लर्निंग जो होगी वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। Now moving to next question, हमें दे रखा है सवाल, which of the following statements cannot be considered as a feature of process of learning? Learning की अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सा ये इनमें से दिया हुआ जो भी स्टेटमेंट है, कौन सा कथन है जो विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो देखो, सबसे पहला चीज की दे रखा है, नीचे से शुरू करते हैं, अर्न लर्निंग इज ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, कैसे नहीं सीखना है किसी भी चीज को, ये भी हम सीखते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, गोल ओरिएंटेड होता है, बिल्कुल गोल ओरिएंटेड होता है। एट द एंड हम क्या मानते हैं, लर्निंग इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस और बहुत ही ज्यादा व्यापक होता है, इनसाइड आउटसाइड ईच एंड एवरी टाइम वी कीप ऑन लर्निंग। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, करेक्ट आंसर बनता है ए, दैट इज अबाउट की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ओनली प्लेस वेयर लर्निंग कैन टेक प्लेस, नॉट एट ऑल, शिक्षण संस्थान ही सिर्फ एकमात्र ऐसे स्थान नहीं है जहाँ पे लर्निंग होती है, लर्निंग आउटसाइड स्कूल भी होती है। वी कीप ऑन लर्निंग एवरी डे, ईच एंड एवरी डे, फ्रॉम ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी सिचुएशन से भी हम सीखते रहते हैं, तो सिर्फ लर्निंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं होती है। अगला सवाल है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो सीखने अधिगम के बारे में सही है। सो नीचे से शुरू करते हैं अगेन, लर्निंग इज इफेक्टिव इन एनवायरमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर लर्नर्स। ऑब्वियस ही बात है कि इमोशनली पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, तभी हम सीख पाएंगे। जो हमने अलग अलग डिफरेंट पैराडाइम्स पढ़े थे कि चार पैराडाइम है जहां से लर्निंग इफेक्टिव होती है, वो वाले लेक्चर को आप देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर बात आती है कि एरर्स मेड बाई चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस। अब देखो यहाँ पे नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस, एरर का मतलब अंडरस्टैंडिंग एरर्स वाला लेक्चर देखो, आपने बात पता चलेगी आपको कि लर्नर्स के लिए एरर करना बहुत जरूरी है, फंडामेंटली मेंटल एक्टिविटी है। ऑब्वियस ही बात है कि दे आर, इट इज नॉट अबाउट कि सिर्फ मेंटल एक्टिविटी है, कभी कभी हम अनकॉन्शियसली भी सीखते हैं, हर बार दिमाग लगा रहे हो जरूरी नहीं है, हमारा सबकॉन्शियस भी इन्वॉल्व होता है। Is not affected by emotional factors at any stage. Obvious सी बात है कि ये ऐसा है कि emotional intelligence भी चाहिए होता है, learning उधर भी होती है, तो which of the following is true? सही पूछा है तो सही कौन सा होगा, exactly option 4th is right answer, जहाँ पे कि emotionally positive भी होना जरूरी है ताकि लर्नर्स अच्छे से लर्निंग कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फीचर ऑफ लर्निंग, लर्निंग का फीचर नहीं माना जा सकता इनमें से किसको। लर्निंग इज समथिंग दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस,
बिल्कुल एक्सपीरियंस चाहिए होता है हमें, प्रोसेस दैट मेडिएट्स बिहेवियर. एग्जैक्टली, हम जितने ज्यादा लर्नेड होते जाते हैं उतना ज्यादा हमारा बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो जाता है. लर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, सॉरी, अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग. बिल्कुल होता है, अनलर्निंग जब भी हो रही है वो भी एक सीखने की ही प्रक्रिया है कि हम अनलर्निंग कैसे करेंगे. लास्टली, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, नॉट एट ऑल. दिस इज द रॉन्ग आंसर. द करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? दैट इज फोर्थ, कि स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट कि हेल्पिंग लर्नर्स रिकैपिटुलेट और रिकॉल व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्न्ड इज इम्पॉर्टेंट. बिकॉज क्यों जरूरी है कि हम बच्चे को रिकॉल कराएं? तो देखो, रिकॉलिंग का प्रोसेस हम क्यों कराते? कभी भी क्लास में जाने के ठीक ठीक बाद जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तब उसमें ये एक बात आती है कि हम बच्चों को रिकॉल कराएं. तो इट इज इफेक्टिव वे ऑफ रिवाइजिंग ओल्ड कॉन्सेप्ट, वो तो है ही, लेकिन प्रॉबेबली सिर्फ ये एक रीजन नहीं हो सकता जिसकी वजह से हम करा रहे हैं रिकॉलिंग. रिकॉलिंग बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड प्रोसेस होता है, ठीक है. इट इन्हांसेस मेमोरी. हर बार हम मेमोरी तो इन्हांस नहीं करने की बात कर रहे होते हैं. इट इज कन्वीनियंट टू बिगिन फॉर अ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, नॉट एट ऑल. हर बार जरूरी नहीं है कि हम क्लास को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो. समटाइम्स टीचर हैव टू सिट बैक एंड लेट देयर लर्नर्स फ्लरिश, ब्लूम करने देना होता है कि वो कैसे क्लास को ले जाना चाहते हैं. तो हर बार हम क्लास को इंस्ट्रक्शन दें जरूरी नहीं होता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्चुअली, नए इंफॉर्मेशन को प्रायर इंफॉर्मेशन से अटैच करने के लिए जरूरी होता है रिकॉल या फिर रिकैपिचुलेट कराना, ताकि बच्चों को तुरंत से याद आ जाए कि उन्होंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था. सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीचर इंगेज करती है लर्नर को ग्रुप एक्टिविटीज में, ग्रुप डिस्कशंस में, ग्रुप प्रोजेक्ट में, रोल प्लेज एक्सेट्रा, इन सारी चीजों में, तो वो लर्निंग के किस डायमेंशन को हाईलाइट कर रही है? तो बस यहाँ पे ग्रुप की बात, जैसे ही आंसर क्या निकल के आ जाएगा, सोशल एक्टिविटी, की लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है. वाइगॉटसी को भी देखो तो उन्होंने भी कहा है कि लर्निंग कैसे हो रही है, सोसाइटी से हो रही है. हमारा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? सोसाइटी से हो रहा है. और डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों साथ के साथ चलते रहते हैं. अगला सवाल हमें दे रखा है कि लर्निंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं दिया हुआ है, माफ करना, सही दिया हुआ है, ठीक है. तो सबसे पहली चीज, चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली. तो देखो, हेरिडिटी ओनली कर दिया, ये ऐसे ही गलत हो गया. हेरिडिटी से इसका लेना देना है नहीं. सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस एंड लिमिट्स देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेबिलिटीज. देखो, मोटिवेशन तो एक हद तक साइकोलॉजिकली हो सकता है, लेकिन लर्निंग कैपेबिलिटीज क्वेश्चन नहीं की जा सकती है. देयर आर मेनी एग्जांपल्स अहेड ऑफ अस जहाँ पे कि बच्चे जो है ना, किसी कॉबलर का होता है या फिर किसी बहुत ही फाइनेंशियली वीकर सेक्शन का बच्चा होता है जिन्होंने यूपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर किए होते हैं. तो इट इज नॉट अबाउट लर्निंग कैपेबिलिटी. मोटिवेशन हो सकता है कि मोटिवेशन लूज कर रहा है बच्चा कि वो किस चीज के लिए काम करे, वो उसके पास पैसे नहीं है तो ये वो रिसोर्सेज अवेल नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी उससे कम नहीं हुई है. तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं. ये तो हम जानते हैं कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं. तो बेसिकली सही क्या होगा? तो सही होगा कि बच्चे नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं सीखने के लिए. कभी भी दे आर हिल मोटिवेटेड. उनको वो पता होता है कि उनको सीखना क्या है, नहीं है. आप कोई बच्चों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, यू विल एबल टू फील कि वो सीखना चाहते हैं, अपने तरीके से सीखना चाहते हैं. बस उनको हर एक चीज में मस्ती छा रही होती है, और उन्हीं मस्ती मस्ती में जब आप उनको चीजें सिखाते हो, बच्चे सीखते हैं और बहुत अच्छा सीखते हैं. सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो. और एक एग्जाम्पल और भी ध्यान रखो ना, जो प्ले स्कूल्स होते हैं वहां पे क्या होता है, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाई से प्यार करना सिखाया जा रहा है, पढ़ाई कराई जा रही है. तो वहां पे क्या किया जा रहा है, बच्चों की ये जो नेचुरल मोटिवेशन है ना, उसी को इग्नाइट और एक्टिवेट कर दिया जा रहा है. दिस इज हाउ वी गेट टू नो आंसर. अगला सवाल, लर्निंग को इनरिच कैसे किया जा सकता है, समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है. तो पीरियोडिक टेस्ट हम ले रहे हैं, क्लास में अटेंशन दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं. बच्चा क्या सीख रहा है उससे भी मैटर करता है. डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन. सिर्फ लेक्चर्स डिफरेंट टाइप के नहीं होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर दोनों होना चाहिए.
मोर एंड मोर टीचिंग एड इज यूज इन द क्लास. सिर्फ टीचिंग एड यूज करके क्या करेंगे अगर बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया. तो सही क्या हुआ? सही तब होता है जब नए सिचुएशन को या अलग से सिचुएशन को, वास्तविक दुनिया में जो स्थितियां चल रही हैं उनको कक्षा में लाइए, बच्चों के सामने पोज कीजिए और बच्चे फिर आपको जवाब देते हैं अलग अलग ढंग से सोच समझ करके. तो वो जो डायलॉग होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, वो लर्निंग को इनरिच करता है. अब बात आती है कि सीखना अधिगम क्या है. इज नॉट अफेक्टेड बाई लर्नर्स इमोशन, इट इज अफेक्टेड बाई लर्नर्स इमोशन. अगर आप मुझसे नहीं सीखना चाहोगे, चाहे कितना भी बोला जाए कि बैचेस ज्वाइन करो बैचेस ज्वाइन करो, आप नहीं करने वाले हो. तो इमोशन से अटैच होता है लर्निंग. वेरी लिटिल कनेक्शन, नहीं बिल्कुल कनेक्शन है. इज नॉट भी नहीं है, लिटिल भी नहीं है. इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं. तो एग्जैक्टली ये क्या है? दैट इज इन्फ्लुएंस बाई लर्नर्स इमोशन. इन्फ्लुएंस होता है लर्नर के इमोशन से. अगला सवाल दे रखा है कि लर्निंग को पॉजिटिवली इफेक्ट करे ऐसा कौन सा फैक्टर है? फियर ऑफ फेलियर पॉजिटिवली, कॉम्पिटिशन नहीं, पॉजिटिव की बात हो रही है. प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता का दबाव जो आता है, नॉट एट ऑल. जो पॉजिटिव इफेक्ट डालने वाला है इन ऑप्शंस में, एंड दैट इज मीनिंगफुल एसोसिएशन, अर्थपूर्ण संघ जो वो एक साथ जेनरेट कर पाते हैं, टीचर लर्नर्स आपस में क्रिएट कर पाते हैं, वो लर्निंग को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है. अगला सवाल दे रखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लर्निंग के लिए सही है? तो देखो, पैसिव रिसेप्शन लिखा हुआ है, तो पैसिव तो होता नहीं, एक्टिव प्रोसेस होता है लर्निंग. लर्नर के प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है लर्नर के प्रीवियस नॉलेज पे. ठीक है, इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल, उनके स्किल के अधिग्रहण के बराबर है. इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्किल्स अगर हैं तो लर्निंग है और नहीं है तो लर्निंग नहीं है. समटाइम एक्सपीरियंस मैटर्स ऑल्सो. तो बेसिकली लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाई सोशल एक्शन, सोशल एक्शन से फैसिलिटेटेड होते हैं. अब बात आती है पेडागोजी टेक्निक्स की. ठीक है कि गिविंग चिल्ड्रन ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव पेडागोजी स्ट्रेटजी. बहुत ही स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है कि ग्रुप वर्क बच्चों को कराया जाए. ग्रुप वर्क हम क्यों करा रहे हैं? एक्चुअली हम ग्रुप वर्क इसलिए करा रहे हैं ताकि बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करें और सपोर्ट करके सीख पाए कि लर्निंग कैसे उस प्रोसेस में होती है. बेसिकली ग्रुप एक्टिविटीज जहाँ पे पीयर ट्यूटरिंग हो रही है, एक दूसरे से सारे सीख रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि बच्चे ग्रुप एक्टिविटी करें और ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग के प्रोसेस को करें. एक को अपने अपने आप को शांत रख के दूसरे को सुनना और सभी को सुन करके एक समन्वय बैठाना, वो भी बहुत जरूरी होता है. एक बहुत इफेक्टिव पेडागोजी टेक्निक है. और आप भी अपनी इफेक्टिविटी बढ़ाइए डेली वाइट्स के साथ. हमारा वेबसाइट दैट इज www.dailywhites.in. आप वहां जाएं, आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा एक सीटेट का टाइल, जहां पे मात्र एक रुपए में, ध्यान दीजिएगा, मात्र एक रुपए में फुल लेंथ मॉक पेपर अवेलेबल है. साथ के साथ आपको टॉपिक वाइज मॉक भी मिलेगा ताकि आप आरंभ सीरीज को फॉलो करें, टॉपिक वाइज मॉक लगाएं और अपनी तैयारी को एक लेवल अप बूस्ट करें डेली वाइट्स के साथ. अब बात आती है मीनिंगफुल लर्निंग की, कि अर्थपूर्ण सीखना या अर्थपूर्ण अधिगम क्या होता है. तो अर्थपूर्ण अधिगम देखो क्या होता है, कि एक प्रोसेस है जहां पे कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आता है. ना, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हम कह ही नहीं सकते कि सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स आता है. इमिटेशन ऑफ एडल्ट्स, इमिटेशन नहीं हो सकता कभी भी मीनिंगफुल. राइट, मीनिंगफुल मतलब कि अर्थ बनाना सीख रहे हैं. तो अर्थ कब बन सकता है? अर्थ तब बनेगा जब एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, एक्टिव क्रिएशन होगा नॉलेज का, पर्सनल एक्सपीरियंस से टच करेगा, तब जाके मीनिंगफुल लर्निंग होगी. अगला सवाल दे रखा है कि सेंट्रल टू लर्निंग, लर्निंग का सेंट्रल थीम क्या है? अगेन पिछला सवाल, दैट इज मीनिंग मेकिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टू इनेबल लर्नर्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली, वो खुद से सोच पाए एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर्स, प्रभावी शिक्षार्थी बने, उसके लिए टीचर का क्या करना जरूरी है? अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स देना? बिल्कुल भी नहीं. अपनी लर्निंग को मॉनिटर करें, इस बारे में सोचा जा सकता है. गिव इंफॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स और चंक, छोटे छोटे यूनिट्स में दे, या प्रोवाइड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट इजियर टू रिकॉल. बेसिकली मॉनिटर करें
कि अपना जो लर्निंग है वो किस प्रकार हुआ है, अपने को देखे, अपने आप के ऊपर खुद से नजर रखे, ऑर्गेनाइज मैनर में टीचर अगर दे भी दे ताकि रिकॉल हो। यहाँ पे देखो, रिकॉल की जगह अगर नॉलेज कंस्ट्रक्शन होता तो आंसर ये हो सकता था, बट सिंस ये नहीं दे रखा है इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। क्लासरूम में मीनिंगफुल लर्निंग कब हो सकती है? तो मीनिंगफुल लर्निंग तब हो सकती है जब बच्चा जेन्युइन इंटरेस्ट शो करे। आपको इंटरेस्ट रहेगा, जेन्युइन इंटरेस्ट रहेगा तो आप हर दिन आरंभ सीरीज फॉलो करोगे, हर दिन पे जाकर के टेलीग्राम में जो क्वेश्चंस आते हैं क्विज के वो सॉल्व करोगे। साथ में इतना ही नहीं, अगर आपको जहां भी जरूरत लगेगी हेल्प की आप टीचर्स को टेक्स्ट करोगे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप बैचेस ज्वाइन करोगे ताकि आपकी तैयारी बूस्ट हो सके। तो खुद के अंदर आपके कितना जील है वो भी डिटरमाइन करता है कि लर्निंग होगी या नहीं होगी। सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज कौन सा करेगा लर्निंग? तो सबसे पहली चीज कि लर्निंग अच्छा अच्छे तरीके से हो, मैक्सिमाइज हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। और उसी प्रकार टीचर का आइडेंटिफाई करना कि बच्चा कैसे सीखता है, स्टूडेंट का कॉग्निटिव स्टाइल क्या है, कैसे पहचानता है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू अभिलाष सर कीप ऑन सेइंग कि आप आओ क्लास बैचेस ज्वाइन करो, आई विल बी रिफ्यूलिंग योर मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन लूज हो जाता है। लेकिन जब वन टू इंटरैक्ट करते हैं ना, तब हमें पता चल जाता है कि सामने बच्चा जो बैठा हुआ है हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है जो, वो कैसे सीखता है, उसकी लर्निंग स्ट्रेटजी क्या है, वो किस प्रकार समझ पाता है चीजों को। तो टीचर्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स कई सारे तरीके के लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। बिकॉज साइकोलॉजी सी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इज नॉट ओनली अबाउट क्लियरिंग सर्टेन एग्जाम, इट इज मोर देन दैट। इट्स सब्जेक्ट इज मोर डीपर देन वी कैन थिंक ऑफ इट। हम जितना सोचते हैं ना उससे कहीं ज्यादा ये डीप है। और टीचर के लिए सीडीपी आना बहुत जरूरी है, दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि इस सब्जेक्ट को बियॉन्ड भी जाकर के देखा और समझा जाए। बात आती है अगले सवाल की कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस, सबसे ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस में जरूरत क्या है, एंड दैट इज डायलॉग, टीचर के बीच में संवाद होना, जहाँ पे कि आपसे कुछ पूछा गया और आप पर्टिकुलर जवाब दे पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायलॉग का होना बहुत जरूरी है ताकि इफेक्टिव वे में टीचिंग हो पाए। अगला सवाल दे रखा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। कहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो रही है, डज नॉट नहीं हो रही है, जहां पे हम प्रमोट कर रहे हैं रिकॉल और रिपीटेशन को, जहां पे स्मरण शक्ति पुनरावृत्ति को हम बढ़ावा दे रहे हैं, वहां पे मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो रही है। अगला सवाल दे रखा है, टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज इम्पोर्टेंट टू, एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये डिक्टेटिंग आंसर्स बिल्कुल भी नहीं, हम आंसर डिक्टेट करेंगे तो बच्चा अपने से सीखेगा क्या, ये गलत हो गया। फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रादर देन ग्रुप एक्टिविटी, अवॉइड डिसरप्शन कॉज ड्यू टू क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट, अवॉइड नहीं करना होता, रादर देन फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रादर देन ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी को भी करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी अगर नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि बच्चा ग्रुप में कितने अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहा है, उसके सोशल स्किल्स कैसे हैं। तो इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट कि इंडिविजुअलाइज अगर एक्शन या एक्टिविटी है तो ग्रुप एक्टिविटी भी, और बच्चा उसमें भी बराबर से हिस्सेदारी ले। तो इफेक्टिव टीचिंग फिर कहाँ पे आएगा, तो वो आएगा तब जब टीचर अपना एक मिडास टच हर बच्चे के साथ रखेगा। थोड़ा बहुत रखना बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर के हम बच्चों को समझ पाते हैं, वो हमें समझ पाते हैं और लर्निंग इफेक्टिव हो पाती है। बात आती है कि लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान्ड, बिल्कुल प्लान होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंस है डज नॉट फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर चिल्ड्रन, इनमें से कौन सा है जो मीनिंगफुल लर्निंग चिल्ड्रन के लिए नहीं कराता है। अगेन रिकॉलिंग, सिर्फ रिकॉलिंग और रिपीटेशन आपको बहुत अच्छे से लर्निंग नहीं करा सकते, लर्निंग के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अगला सवाल इफेक्टिव क्लासरूम से है कि एक प्रभावी कक्षा में बच्चे डरते हैं, नहीं, फियर ऑफ टीचर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, दे हैव रिगार्ड टीचर, दे हैव नो रिगार्ड फॉर टीचर, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। लुक अप फॉर टीचर फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू फैसिलिटेट देयर लर्निंग, एग्जैक्टली
बच्चे जो होते हैं टीचर के तरफ गाइडेंस के लिए, सपोर्ट के लिए समझते, देखते और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जब, तो वो शिक्षक को ही देखते समझते हैं। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि टीचर कैन इनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम। भाई देखो, एलिमेंट्री क्लासरूम है यानी छोटे बच्चों का क्लास है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि बच्चों को कनेक्ट करके बताएं कि जो देखो पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं और कैसे हम इसको आगे जाके ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमें कैसे हेल्प करेगा आगे अपनी लाइफ में एक्सेल करने में। ठीक है, अब फिर अगेन क्लास क्लास के बारे में बात है कि इफेक्टिव क्लासरूम के बारे में क्या है। तो कंपटीशन कभी भी हो तो वो ऑप्शन ऐसे ही आउट हो जाता है। ठीक है, इनकरेजेस डिस्कशन एंड मेक्स कनेक्शन विद प्रीवियस नॉलेज। एग्जैक्टली, प्रीवियस नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा ना बच्चों को कि कैसे हम क्या चीज कहाँ से क्या बढ़ रही है। हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार मुगल आए, और जब मुगल का हमें पता होगा उससे पहले दिल्ली सल्तनत का पता होना चाहिए, उससे पहले हमें जो राजपूत और प्रतिहाराज गुज्जर में क्लैश चल रहा था उसका, तो जाके हमें हिस्ट्री का एक पूरा टाइमलाइन मिलता है कि ब्रिटिशर्स कैसे आए और कैसे वो फैलते गए। मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ना है तो थोड़ा सा मेडाइवल आपको थोड़ा समझना होगा। तो इफेक्टिव क्लासरूम आने में जाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जब कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो तो बच्चों को प्रीवियस नॉलेज दे करके पढ़ाओ। अगली बात आती है कि एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल। इफेक्टिव स्कूल का एग्जाम्पल क्या होगा? तो इफेक्टिव स्कूल कभी भी कॉम्पिटिशन पे ध्यान नहीं देता, तो ये गलत हो गया। कंपेयर भी नहीं करते हम, क्योंकि लर्निंग इंडिविजुअल होता है, डेवलपमेंट इंडिविजुअल होता है, और कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बैन है ही, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, मतलब आउट ऑफ द फ्रेम हो गया। तो बात क्या आती है, दैट इज इंडिविजुअलाइज लर्निंग, कि बच्चों को अलग से समझ के और फिर उसके बाद उनको सिखाया जाए। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं, और कोई भी क्विज जो भी आता हुआ है उसको अटेम्प्ट करके आप अपनी तैयारी हर दिन ब्रश कर सकते हैं। साथ में कोई भी नए वीडियो लेक्चर के अपडेट या फिर सीटेट या एसटेट से रिलेटेड कोई भी एनी नोटिफिकेशन इज आल्सो देयर इन दैट टेलीग्राम ग्रुप। तो जाए, जुड़े और हर एक चीज को टाइमली प्राप्त करें। और अगर कोई आपको डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। Go there, text me your doubt. I'll be there helping you out. Until then, stay tuned, stay connected to Delhi Bytes. Do follow our Aarambha series. God bless you all.